चीन में विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लॉकडाउन को हटाने और जीरो कोविड नीति में ढील देने का फैसला किया था। इसके बाद देश में स्थिति बेकाबू हो गई। अस्पताल कोविड 19 के मरीजों से पटे हुए हैं। बाहर लाशों का अंबार लगा हुआ है। अभी इस स्थिति के सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। चीन के इस हालात ने दुनिया को एक बार फिर से खौफ मिला दिया। सभी देश अपने हेल्थ सेक्टर की समीक्षा करने में जुट गए, लेकिन चीन में हालात इतने खराब हुए कैसे? आइए तलाश करते हैं इसकी कुछ वजहें। पहला, जीरो कोविड पॉलिसी ने बिगाड़े हालात। दरअसल चीन में जिस तरीके से हालात पैदा हुए उसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ चीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लगाकर अपने देश के हालात बिगाड़ दिए। शुरुआती दौर से ही जीरो कोविड पॉलिसी को पूरी दुनिया नकार रही थी। चीन ने न सिर्फ उसे लागू किया बल्कि सख्ती से एक मामला मिलने पर भी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत पूरे इलाके को लंबे वक्त के लिए उसमें डाल दिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये पॉलिसी ही चीन के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बन रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस पॉलिसी के पक्ष में शुरुआती दौर से नहीं रहा। बावजूद इसके चीन ने अपने देश में जीरो कोविड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया। अब जब चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को अलग अलग इलाकों से हटाना शुरू किया तो वहां के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। चीन में फेल हो चुका है वैक्सीनेशन। चीन में वैक्सीनेशन पूरी तरह फेल हो चुका है। देश में कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने बूस्टर डोज ली, इसके बावजूद लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाई। अन्य देशों की तुलना में चीनी टीके अप्रभावी और अक्षम सिद्ध हुए। ज्यादातर चीनी टीके पुराने टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, ना कि आधुनिक mRNA आधारित प्लेटफॉर्म पर। जबकि पश्चिमी देशों में mRNA टीकों में भी बार बार सुधारों की जरूरत पड़ी थी। लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो पाई विकसित। लंबे वक्त से चीन के लोगों के बीच आपसी मेल मिलाप नहीं हुआ, ऐसे में इम्यूनिटी के खास स्तर तक लोग नहीं पहुंच पाए। याद रहे कि उभरते वेरिएंट्स और नए एपिटोप्स के लगातार हमलों के साथ ही मनुष्यों की हर्ड इम्यूनिटी भी लगातार विकसित होती है, लेकिन चीन की आबादी खास तौर पर पहले और दूसरे श्रेणी के शहरों के लोग जीरो कोविड के तहत एक लंबे अरसे से सख्त पहरे में थे। तो ये तमाम वजहें रही जिसके कारण चीन में हालात खराब हो गए और पूरे विश्व में अब इसे लेकर समीक्षा होने लगी है।